अभी तो खाने के लिए कुछ है नहीं कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट करे, तो हाफ जा रही हूँ। कितना प्यारा है बताओ, आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, पूरा ओरिजिनल मिरर का वर्क है। भगवान से ज़्यादा नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि हाँ मैं खा पी के बरोबर रहूँ। पैरासिटामोल फिर से खा के सोना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए टाइम निकाल के मैं जाऊँगी डॉक्टर दिखाने। मेरे देश के कोने कोने में जा रहा है, और ये जा रहा है मध्य प्रदेश। बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास आप सभी हैं। अभी तक का एड्रेस वगैरह दिख रहा है, ये देखिए ये लहंगा 1 2 3 4 5 6 ये लहंगा सारा सोल्ड हो चुका है। एवरीवन आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। कल आ रहे हमारे पापा लोग, कल पापा मम्मी आएंगे। बाप रे मेरा तबीयत सही नहीं है, मेरे को हुआ है फीवर। आप लोग को पता नहीं मेरा फेस से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है मेरा। मतलब ठंडी हमारे यहाँ पे है नहीं, बट ठंडी लग रही है, रात को सो नहीं पा रही हूँ, और मुझे डॉक्टर दिखाने जाना ही पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें रिकमेंड किया था कि नमक पानी में पैर रख के बहुत समय तक रखने के लिए, मतलब उससे दर्द ठीक होता है। दर्द ठीक हो गया, लेकिन अब मैं पैर नहीं दिखा सकती ना, तो दिखा देती ऐसा ना नीला नीला, फिर हरा हरा सा क्लॉट क्लॉट टाइप का जम रहा है। मैं डॉक्टर दिखाई देती हूँ, ब्लड वगैरह भी चेक करवा लेती हूँ, क्या पता कुछ हीमोग्लोबिन WBC RBC कुछ कम ज़्यादा हो गया होगा शायद। और हर मार्केट गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं, तो एक केला और एप्पल ही लेके आई हूँ, आधा किलो रिशु और मैं, हम दोनों शेक बना के सुबह पियेंगे। और बहुत सारी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ लाई हूँ, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई आज। मैंने कॉटन की कुर्ती के लिए सब मुझे मैसेज करके दी, आप वीडियो बनाओ फ़ोटो भेजो, तभी तबीयत इतनी ख़राब है कि मैं मतलब फ़ोटो लूँगी कर ही नहीं पा रही हूँ। कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, और सब्जी वगैरह भी लेके आई हूँ, सब्जी वगैरह भी जमाना है। पापा लोग कल आ रहे हैं, तो पापा लोग भी सब्जी लेके आएंगे, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। लेकिन क्या करूँ बताओ, अभी तो खाने के लिए कुछ है नहीं कि थोड़ा सा ब्लॉग शूट करे, तो हाँ जा रही हूँ। यहीं पर रख देती हूँ, चेहरा वेहरा मेरा एकदम ख़राब हो गया। आज मैं मार्केट गई थी, तो मेरी एक पहचान वाली से मिली थी, मतलब फ्रेंड है उससे मिली थी, तो बोलती है बाबा शताब्दी तेरा हाल क्या हो गया, एकदम एकदम दुबली हो गई है, मुँह सूख गया। हम बोली हाँ तबीयत थोड़ा ख़राब है, मेरा अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी। मैं सोची थी कि पूरा किचन सेट करूँगी, किचन सजाऊँगी, वो भी नहीं हो रहा है। देखो लाइट मेरा, ये वाला लाइट ना ख़राब हो जाएगा, ये हॉल रूम का लाइट में यही दिक्कत है। हॉल रूम का लाइट ना मेरा ऐसा होता रहता, पता नहीं कब ख़राब हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो बड़ा लाइट खरीदी थी मैं, सबसे ज़्यादा वॉट का, उस घर में भी ऐसा होता था, अब थोड़ा ठीक है शायद, फिर जा रहा है। सारा निकाली थी आज वीडियो बनाऊंगी करके, लेकिन थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं पड़ा कि वीडियो बनाऊं मैं। ये सारा शरारा सेट है बहुत अच्छे अच्छे कलर से, और ये कॉटन की कुर्ती है, इसका पता नहीं दुपट्टा, मामा ये कॉटन का कुर्ता है, बहुत प्यारा सेट है। ये दुपट्टा है इसका, का लेंथ भी सही है, ये दुपट्टा है और नीचे का पैंट है, बहुत प्यारा पीस है। इसमें बहुत सारे कलर्स है, यहाँ पे ग्रीन है, बैगनी है, और ये वाली ग्रीन है, सॉरी ये ब्लू ग्रीन है, सारा कलर है यहाँ पे। रिशु आ गई, मम्मा अंगूर खाएंगे बोलते हैं, अंगूर भी लेके आई ना, उसको याद है, तो उसको धो के दे देती हूँ मैं। दे बेटा धो के देती हूँ, एक ही अंगूर दूंगी, फिर रात को फल देना सही नहीं है उसको, है ना। अभी खाना वाना बनाऊंगी, फिर खाना वगैरह खाएंगे, ना मम्मा धो के दे दी लो। आज बहुत सारा पार्सल निकला है, आज मैं लहंगा का डाली थी, टोटल आज मैं 8 लहंगा डाली थी, और 8 लहंगा में 6 लहंगा सोल्ड हो गया। हाँ बेटा, हाँ मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना दी बेटू, चलो। टोटल 8 लहंगा डाली थी, डालने के साथ आज एक ही दिन में 8 में से 6 लहंगा सोल्ड हो गया, और बस 2 लहंगा बचा हुआ, एक येलो कलर का लहंगा बचा और एक मेहंदी कलर का, मतलब टिल ब्लू कलर का लहंगा बचा है, 2 बस बचा हुआ है। तो कौन सा 2 बचा आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। मम्मा रिशु थोड़ा सा बैठो, हाँ मम्मी थोड़ा सा काम करके आ रही है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा बिठा देती, ब्लॉग भी बनाना रहता है ना, ब्लॉग भी शूट कर लेती, ब्लॉग नहीं डालूंगी तो कैसा होगा बताइए, महीना भी तो चलाना होता है। बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास आप सभी हैं। अभी तक का एड्रेस वगैरह दिख रहा है, ये देखिए ये लहंगा 1 2 3 4 5 6 ये लहंगा सारा सोल्ड हो चुका है, और एक दिन में पूरा। मेरी बहन, अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी बहन ही सारा पैक की है, ये लिखी विकी सब वही लिखी, अरे
एड्रेस ना दिख जाए। मैं जितना भी पार्सल कूरियर पैक करती हूँ ना, हमेशा आप लोग ये अच्छे से देखिए, पूरा सेलो टेप लगा हुआ है दोनों साइड की, देखिए पूरा सेलो टेप से, ताकि एक तो ये झिल्ली रहता है लेकिन झिल्ली के ऊपर से भी ख़राब मत हो, इसलिए मोटा करके सेलो टेप लगा देते हैं हम लोग, ताकि मतलब होते ना घिसते घिसते जाते हैं, लोग क्या करते हैं सब फेंक फेंक के मारते हैं पार्सल को, और जानते हैं कपड़ा है तो और फेंक फेंक के मारेंगे ताकि कुछ होए मत, इसलिए हम लोग मोटा करके सेलो टेप लगा दिए बाहर से भी, ताकि लोग कितना भी फेंके कुछ भी करे घिसने से भी झिल्ली नहीं फटेगा, और कोई अगर खींच के फाड़ना भी चाहे तो भी झिल्ली नहीं फटेगा। इसलिए इसकी पैकेजिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब अगर अभी आप लोग को बोलूँगी तो मतलब एक सेलो टेप जो रहता है ना वो 50 रुपये से हम लोग खरीदते हैं, तो एक सेलो टेप से हमारा 3 पार्सल ऐसा पैक होता है और सेलो टेप ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, मोटा मोटा करके सेलो टेप मार मार के देंगे तो, और एक झिल्ली 10 रुपये का रहता है, फिर डिलीवरी चार्ज भी 50 से 60 से 80 रुपये तक भी लेता है, मतलब पोस्ट ऑफिस में लेते हैं, वेट के हिसाब से होता है। और आज ऐसा हुआ कि दो लोग हैं बोले दीदी हमको स्पीड पोस्ट करना है, हम आपको एक्स्ट्रा अलग से पैसा दे देंगे, तो उन्होंने स्पीड पोस्ट का भी मुझे पैसा दे दिया क्योंकि उनको पार्सल सिर्फ 4 से 5 दिन में चाहिए था। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि स्पीड पोस्ट में एक्शन में बहुत पैसे लगते हैं। ये हो गया, तो आप लोग बताती हूँ, ये जा रहा राजस्थान, मतलब देश के कोने कोने में जा रहा है, और ये जा रहा है मध्य प्रदेश। ये ली है रेड कलर वाली, मुझे याद है, और राजस्थान वाली ली है शायद टील ब्लू कलर में, और ये जा रहा है उड़ीसा, और ये जा रहा है दुर्ग। रीति, ये रीति का है, रीति सबसे पहले रीति ऑर्डर करी थी। ये जा रहा है बिहार समस्तीपुर, और लास्ट ये जा रहा है निगाही मध्य प्रदेश, पता नहीं। ये हो गया है, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ लास्ट कौन सा दो लहंगा बचा है, बस दो ही बचा है। आराम से किसी का शादी है तो हल्दी के समय पहन लेगी, और रात को मेहंदी के समय सेटमॉल फिर से खा के सोना पड़ेगा, और चाहे कुछ भी हो जाए टाइम निकाल के मैं जाऊँगी डॉक्टर दिखाने, मेरे को भी और ऋषु को भी, क्योंकि रीशु का हेल्थ बहुत डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया है, मतलब खाती है वो खाना मैं उसे पूरा टाइम से खिला देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसका हेल्थ डाउन हो रहा है। मेरे को ये मतलब थोड़ा सा भी ना अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी बेटी का हेल्थ डाउन हो रहा है, टूट ना जाए। ओह, बैठ के आप लोगों को दिखाऊंगी, कम से कम ये दो निकल जाएगा ना तो मैं एकदम टेंशन फील होऊंगी कि हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें मेरा वो नहीं निकला है, क्या बोलते हैं, मुनाफा नहीं निकला है। आप लोग, मैं दिखाती हूँ मटेरियल, आप लोग बोले कितना चीप में देवी तो कहाँ सबको मुनाफा निकलेगा ज़्यादा। आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा दो बचा, टोटल मैं 2 डिज़ाइन लेके आई हुई थी, तो ये वाला जिसकी शादी है या बहन की शादी या खुद की शादी, किसी की भी शादी है, शादी में मेहंदी वाले रात को ये पहन लेना। ये ऊपर का टॉप है, ब्लाउज़ है, और नीचे का लहंगा आप लोगों को दिखाती हूँ, नीचे का लहंगा भी बहुत प्यारा है यार, मेरा तबीयत अच्छा होने से मैं आप लोगों को पहन के दिखा देती। ये नीचे का लहंगा है, एक मिनट, ये देखो, ये लेंथ भी बहुत अच्छी है, ये नीचे देखिए पूरा ओरिजिनल मिरर लगा हुआ है, ये पूरा, ये लहंगा है, ये लहंगा है, टॉप कहाँ की है, ये ऊपर का टॉप है, काश मैं पहन के दिखा पाती आप लोगों को, मेरा तबीयत सही नहीं है ना, ये तो पहन के दिखाने से क्या होता है समझ में बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसके साथ दुपट्टा भी है और अस्तिंग भी है, आप अगर कहाँ गया अस्तिंग दुपट्टा, एक मिनट, हाँ ये अस्तिंग अलग से, बहुत लोग होते हैं ना जिनको स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है, तो ये ऐसे मैं दिखाती हूँ, ऐसे गले में ना टाइट से बांधना है, अस्तिंग को कैसा पहनना है दिखा देती हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है, अब ये ऐसा पूरा फैल जाएगा, ऐसा फैल जाएगा, ऐसा फैल गया, बस ऐसा अस्तिन घुसा दो, तो ये दो जैसे ऐसा गया ना तो पीछे भी देखिए ऐसा हो गया, तो इस तरीके से दोनों ऐसा अस्तिन रहेगा, बहुत प्यारा पीस है, और मैं सिर्फ 1880 में दे रही हूँ, सिर्फ 1880 में, मार्केट में 3-3.5 हज़ार का बिकता है ये। मैं भगवान से ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि हाँ मैं खा पी के बरोबर रहूँ। ये इसके में दुपट्टा भी है, कहाँ गया दुपट्टा,
हाँ दुपट्टा आप लोगों को दिखाती हूँ। दुपट्टा प्लेन है, ऑब्वियसली बात दुपट्टा प्लेन है क्योंकि पूरा कपड़ा ऐसा है। और अभी जो पिस दिखा रही हूँ ना, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। हाँ बेटा, इसको मैं जब पहनी थी ना, मैं बहुत अच्छे से मेकअप भी की थी। आ रही हूँ, और अंगूर खाना है? आ रही है मम्मा, आपकी मम्मा आ रही है अंगूर लेके। और ये कितना प्यारा है बताओ, आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। पूरा ओरिजिनल मिरर का वर्क है, पूरा ओरिजिनल मिरर का वर्क। ये देखिए कहाँ मिलेगा, 1800 में ये लहंगा सेट कहाँ मिलेगा, ये देखिए। हाँ मम्मी आ रही बेटा। ये और इसके नीचे का लहंगा आप लोगों को दिखाती हूँ। मतलब ब्लाउज देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये नॉर्मल ब्लाउज लेके भी इसके ऊपर साड़ी पहन, साड़ी वगैरह वेयर कर सकते हैं ना, प्यारा रहता है। लहंगा का घेर भी बहुत ज़्यादा, ये लहंगा है ऐसे चढ़ो 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 ऊपर 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 ऊपर। लेंथ बहुत अच्छी ना लहंगे की, सबसे अच्छी खासियत तो ये है लेंथ बहुत अच्छा। ये देखिए नीचे पूरा मिरर वर्क है, पूरा मिरर वर्क है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया, ये हो गया लहंगा, और ये हो गया ऊपर का ब्लाउज, और इसका स्लीव सेम कहाँ गया, स्लीव विलीव होगा यहीं पे कहीं पे। हाँ ये तो मिल गया, दो स्लीव है दोनों अलग एक ही कलर का। ये देखिए ये स्लीव सेम जैसे मैं आप लोगों को पहन के दिखाई थी ना, इस तरीके से अस्तिन में भी इस तरीके से डिज़ाइन है, मिरर लगा है। और दुपट्टा प्लेन, ये प्लेन दुपट्टा। तो बस ये दो पीस ही बचा हुआ है। काफ़ी लोगों ने पर्सनली मैसेज किया अभी मुझे, बहुत इंस्टाग्राम में मैसेज कर, लेकिन आप लोग बता दो इंस्टाग्राम मेरा पिछले एक महीने से बंद है, मैं खोल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बहुत लोग फिर व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मुझे कॉल भी किए कि किसी भी कंडीशन में उसे डिवोर्स मत देना, 5 लाख तक तो बिल्कुल भी मत देना। मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं डिवोर्स उसे दूंगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी डिवोर्स मैं उसे, एकदम नहीं। 5 लाख में डिवोर्स कभी नहीं। एक बच्चा, मतलब मैं तो बहुत सी बातें मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं बोलने के लिए। और क्या है कि आप लोगों को पता है वो मेरा वीडियो कट करके सीधा कोर्ट में जमा करता है, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सी बातें बोलना नहीं चाहती। बस आप लोग इतना जान लीजिए कि हाँ मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया, ज़िंदगी ख़राब की है, मुझे रास्ते में ला के रख दिया है, और आज मैं इतनी मेहनत से इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरी इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और मैं इतना दिन रात मेहनत करती हूँ, इतना काम करती हूँ कि थक जाती हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है, मुझे फीवर आ रहा है, हाथ पैर फूल रहे, मेरे शरीर में से चकते चकते बन रहे, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए, मेरा ब्लॉग्स बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, डालती हूँ, उस बीच रीशु का भी एज ऐसा है ना 2 साल की, मुझे छोड़ के कुछ नहीं करती, पीछे पीछे भागती रहती है मेरी, फिर घर के काम रहते, फिर शाम को ब्लॉग बनाती हूँ, फिर एडिट करती हूँ, फिर जो कपड़ा वगैरह आता है उसका वीडियो शूट करती हूँ, उसको पहनती हूँ, खोलती हूँ। मैं कम से कम दिन में मान के चलो 10 कपड़ा खोल रही हूँ, फिर पहन रही हूँ, फिर उसको पैक कर रही हूँ, साड़ी खोल रही हूँ, दिन में 10 साड़ी खोल रही हूँ, फिर उसे पैक कर रही हूँ। कितना काम रहता है, इतना काम हो गया कि पूरा मतलब बॉडी इतना वीक पड़ गया ना, मैं आप लोग बता नहीं सकती। अभी मैं लगभग 15 दिन बाद आज मैं बाहर निकली थी, वहाँ पे एग रोल खाने के लिए गई थी, आज गई हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाहर, मतलब वो वाला बाहर, घर के बाहर तो कुछ दिन पहले गई थी कोर्ट में, बाहर इन द सेंस मार्केट में सब्जी लाने, थोड़ा कुछ खाने, ऋषु को लेके वॉक करने के लिए। ये मैं 15 दिन बाद गई थी, आज गई थी तो सब्जी वगैरह लेके आई, एक एग रोल खाई हूँ, बहुत समय तक बाहर खड़ी थी, बहुत लोगों को ऐसे गौर से देख रही थी, मतलब ऐसा लगा मैं कितने महीनों बाद निकली बाहर। और ऋषि को तो बाहर ले जाके झूला झुलवाना, बच्चों के साथ खिलवाना, ये मेरे से भी हो ही नहीं रहा है, इसलिए अभी तो आप लोग को शेयर नहीं करूँगी, कुछ दिन बाद आप लोग को शेयर करूँगी कि अब थोड़ा सा सेटल हो जाएगा ना तो घर में एक दीदी को रख लूँगी मैं, जो थोड़ा सा बस आके बर्तन वगैरह धो देगी और झाड़ू पोछा कर देगी ना, और कपड़े वगैरह धुल देगी, तो हमने सब्जी वगैरह काट के चली जाएगी ना, तो मेरे को बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत हेल्प होगा। तो मैं ब्लॉग्स हो गया, रिशू हो गया, घर के काम हो गया, ये स्टार्टअप होगा, अच्छे से मैं हैंडल कर पाऊँगी। तू ही की मेरी बहन भी आ गई है, चलो अब मैं गोल गोल घूम रही हूँ, तो अब मैं जाती हूँ अपने ब्लॉग एंड करती हूँ, खाना वाना भी बना लेती हूँ। और हाँ बिट्टू बिकुट खाना है, अंगूर खाओगे? हाँ दे रही हूँ, वो अंगूर खा रही है, चलो अच्छा है। बाप को जबकि फल नहीं देना चाहिए बच्चों लोगों को, बट उसको अंगूर अच्छा लग रहा है, दे देती हूँ।
और लाना था, ज्यादा नहीं लाई, कम ही लाई हूँ। अच्छा ना, लंबे लंबे बड़े बड़े, और मीठा है पता है, मेन मीठा है, मतलब खट्टा तो है ही नहीं। और लाना था मुझे, कोई नहीं, खत्म करेगी फिर तो कटोरी में दे देती हूँ। चलो ए लो बेटा, ए लो, और नहीं ठीक है, खत्म हो गया है, खाना खिलाऊंगी थोड़ी देर में, ज्यादा देना सही नहीं है, ठीक है। चलो अभी सबको बाय करो, बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे, आप सब अच्छे से रहो, बोलो खुश रहो, बोलो, चलिए बाय बाय।